हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं वो सभी काम के हैं। अगर एक भी स्टेप छूट गया तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी रह जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बालकनी में जो रेलिंग लगती है, खासकर MS रेलिंग की बात करें हम, माइल्ड स्टील की रेलिंग। तो हम माइल्ड स्टील रेलिंग का रेट एनालिसिस भी करेंगे, रनिंग मीटर में और रनिंग फिट में, दोनों में रेट निकालेंगे कि रनिंग फिट उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और रनिंग मीटर में कितनी आएगी। ये एक्चुअल रेट होंगे और एक्चुअल कैलकुलेशन होंगी सारी। इसे आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और रेट अप एंड डाउन जो भी हैं वो आप उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल रेट आ जाएंगे। तो इसमें हमारे जो सेक्शन यूज हो रहे हैं, जो बालकनी रेलिंग का डिज़ाइन है, वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं अभी आगे। तो इसमें हमारे हॉलो सेक्शन यूज हो रहे हैं और हमारा स्क्वायर बार यूज हो रहा है 10 mm का MS बार। तो ये सारी चीज़ें आपसे हम डिजाइन भी साझा कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर हम रेट लगा के भी उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं मेन शीट पे और देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करेंगे और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ये ड्राइंग है बालकनी की रेलिंग की, इसमें उसको कम्प्लीटली डिजाइन किया गया है। यहाँ आप टॉप में देखेंगे जो हैंडरेल है, ये हैंडरेल है 65x35 mm MS हॉलो सेक्शन। ये हॉलो ट्यूब है, तो हॉलो ट्यूब का हैंडरेल है ये 65x35। उसके बाद इसका बलूस्टर देखेंगे आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 नंबर बलूस्टर है। इसका साइज़ देखिए 25x50 mm हॉलो सेक्शन, ये भी हॉलो ट्यूब है। उसके बाद ये हॉरिजेंटल दिख रहे हैं, एक और एक ये है, ये दो पाइप हैं। ये देखिए 25x25 mm के हॉलो सेक्शन है ये भी। उसके बाद इसमें एक चीज़ रहती है, ये जो आपको लाइन सी दिख रही हैं, ये 10 mm की स्क्वायर बार है, सॉलिड बार, MS बार। तो ये हॉरिजेंटल बार हैं, ऐसे ही राइट साइड में यहाँ हॉरिजेंटल बार हैं और ये वर्टिकल बार है। तो ये कम्प्लीट एक इसका डिज़ाइन हो गया। नीचे जो आप देख रहे हैं ये RCC का फेशिया है, जिसमें कि बलूस्टर को ग्राउट किया गया है, जिसका रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे होंगे। नीचे मेंशन भी है RCC फेशिया। तो ये सब कुछ है। बाकी जो रेलिंग की लेंथ है वो 2.4 मीटर है। फिर जो नीचे वाला इसका सेक्शन है ये भी 2.4 मीटर है और ये भी 2.4 मीटर है। बाकी जो हमारा बलूस्टर है वो हमने इसके बॉटम से लेके और हैंड रेल के बॉटम तक इसको मेजर करा है, तो ये है 1325। मगर जब हम इसको मेजरमेंट में कंसिडरेशन करेंगे तो हम इसमें से 25 mm का जो कवर है वो कम करके चलेंगे, यानी कि जो अभी 1325 है इसे हम 1300 लेके चलेंगे। बाकी जो बार है उसका साइज़ दिया हुआ है, ये 700 है, ये भी 700 है, और ये जो वर्टिकल पार्ट है इसमें जो इसका साइज़ है ये 825 mm है। तो अब चलते हैं हम मेन शीट पर और एनालिसिस करते हैं इसकी कॉस्ट के लिए, कि कॉस्ट पर रनिंग मीटर या कॉस्ट पर रनिंग फिट कितनी आएगी इंक्लूडिंग ऑल। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में हमने लिखा है 1, क्योंकि हमारे पास आइटम ही 1 है, कोई और ऑप्शन नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रेलिंग, यानी कि हमने इसे एक नाम दे दिया है R1 हमने इसे नाम दे दिया है। उसके बाद हमने इसकी यूनिट दी है, यूनिट है नंबर्स ऑफ रेलिंग्स। उसके बाद है नंबर्स ऑफ रेलिंग इन ईच फ्लोर, यानी कि हमने यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ पर 12 रेलिंग हैं एक फ्लोर में, और जो टोटल फ्लोर हैं वो हमने कंसिडर करे हैं 21, यानी कि जिस बिल्डिंग का हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें 21 फ्लोर हैं। तो यानी कि 12 रेलिंग एक फ्लोर में है और 21 फ्लोर हैं, तो यानी कि 12 गुणा के 21, यानी कि 252 रेलिंगें टोटल बननी है। तो 252 रेलिंगें होगी। उसके बाद है देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन का क्या कोएफिशिएंट, अब ये निकालना है। देखिए सबसे पहले है हमारा ये वाला 65x35x3 mm का जो MS हॉलो ट्यूब है, जो कि हैंड रेल पे यूज हुआ है। उसके बाद हमारा अगला है 50x25x3 mm का, जो कि हमारा बलूस्टर पे यूज हुआ है। अगला है 25x25x3.2, जो कि हैंड रेल के ठीक नीचे और बॉटम की तरफ, यानी कि दो जगह यूज हुआ है। स्क्वायर बार, जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो डिज़ाइन बना है उसके अंदर में शामिल है, जैसा कि आपने ड्राइंग में देखा है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हैंड रेल की, जो हैंड रेल की लेंथ है वो कितनी है,
यानी कि इसमें लिखा है हैंडरेल है 65-35 2.4। आपने ड्राइंग में भी देखा होगा जो रेलिंग की लेंथ थी वो 2.4 मीटर थी। ठीक है, आइए आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे रेलिंग यहाँ पे है ना 2.4 मीटर है। अब हम चलते हैं अगला जो है हमारा 50-25-3 mm का जो हमारा बलूस्टर में लगा हुआ है उसकी लेंथ यहाँ पे दे दी है 5.2 मीटर लगा है इसमें। अब 5.2 मीटर ये कैसे आया, अब आइए 5.2 मीटर कैसे आया ये देखिए। यहाँ बलूस्टर जो है इसकी जो लेंथ दे रखी है फेशिया के बॉटम से लेके और हैंड रेल के बॉटम तक ये है 1325। तो हमने इसमें से 25 mm का जो है एंड कवर माइनस कर दिया है, बचा 1300 यानी कि 1.3 मीटर। तो 1.3 मीटर के ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4 मेंबर हैं। तो 1.3 × 4 तो ऐसे ही आ गया 1.3 × 4 ये आ गया 5.2। अब है 25-25 3.2 25-25 का आ गया। देखिए क्या है कि जो लेंथ हैंड रेल की है वही इस वाले सेक्शन की भी है, तो 2.4 + 2.4 कितना आ गया 4.8 यानी कि आपका 2.4 वाला क्लियर हो गया, 5.2 क्लियर हो गया, 4.8 भी क्लियर हो गया 2.4 + 2.4। अब ये कैसे आया देखिए, इसके भी देख लेते हैं। ये देखिए ठीक इसके नीचे है और ये बिल्कुल एक लाइन में रन कर रहे हैं, तो ये भी 2.4 है और ये भी 2.4 है, तो यही दो सेक्शन है, तो इसलिए ये आ गया 4.8। अब आते हैं स्क्वायर बार में, ये आ गया 17.23। अब ये 17.23 कैसे आया इसे देखते हैं। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में जो इसका बार यूज हुआ है इसकी लेंथ है 0.7 मीटर और राइट हैंड साइड में भी जो बार यूज हुआ है इसका भी है 0.7 मीटर। अब 0.7 मीटर वाले कितने हैं यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इधर हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ही इधर है, तो 7 यानी 14 नोज हैं। तो 0.7 × 14 प्लस में 0.825 × के कितने पीस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 पीस ही हैं, यानी कि 0.7 × 14 प्लस 0.825 × 9 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 17.23। तो यानी कि अब हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया। तो कोफिशेंट ऑफ कंजप्शन सारे आ गए, हैंडरेल का भी, बलूस्टर का भी, हॉरिजेंटल पीस का भी और स्क्वायर बार का भी, ये आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पर मटेरियल विल बी कंज्यूम्ड। अब सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 65-35 का कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रेलिंग इन ईच फ्लोर कितनी है, 12। टोटल फ्लोर कितने हैं, 21। तो 12 × 21 यानी कि कितना हुआ, 252। 252 गुणा के 65-35 है तो 2.4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। फिर उसके बाद चलते हैं 50-25 में, 50-25 का है 5.2 तो यानी कि 252 × 5.2 ये हो गया। फिर उसके बाद है 25-25 का ये है तो 252 × 4.8। फिर है स्क्वायर बार यानी कि 252 × 17.23 और ये आ गया 43 इतना। इसी को हमने नीचे टोटल कर दिया है, सेम फिगर नीचे उठ के आ गई है। उसके बाद आप देखिए एड वेस्टेज, इस पर हमने 3% इसका निकाल दिया है वेस्टेज के तौर पर, फिर ये दोनों फिगर ऐड कर दिए हैं तो ये आ गया 623, ये हो गया 1350, ये हो गया 1246 और ये हो गया 4471। अब इनका जो सेक्शनल वेट है यानी कि वेट केजी पर मीटर, ये केजी में है और पर मीटर है, यानी कि जो 65-35 3 mm का है उसका वेट है 4.2 केजी पर मीटर, 50-25 का है 3.07 केजी पर मीटर, 25-25 3.2 ये है 1.98 केजी पर मीटर और ये है 785 केजी पर मीटर। अब इसकी जो लेंथ है जो मीटर में है 623 मीटर, 1 मीटर का वेट ये है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल केजी इतना आ जाता है, यानी कि 2616 हैंडरेल वाला, 41-43 बलूस्टर वाला, 25-25 हॉरिजेंटल और 3509 स्क्वायर बार का। अब हमने इसके ऊपर दो रेट अप्लाई करे हैं, एक रेट है परचेजिंग का जो हमने मटेरियल परचेज करा पार्टी से, इसमें जो तीनों हमारे हॉलो सेक्शन हैं उसका रेट एक ही है, हॉलो सेक्शन का रेट है 49.40 रुपये तीनों का सेम है। उसके बाद जो हमारा स्क्वायर बार है वो है 54.92 रुपये।
इसमें हमने फैब्रिकेशन का भी चार्ज पर केजी ऐड कर दिया है 19 रुपीज़। ये चार्ज जो है ग्राउंड लेवल पर फैब्रिकेट करने का है, ये हर फ्लोर पर जाकर फैब्रिकेट नहीं करेगा और ना ही ऊपर लिफ्ट करेगा ना शिफ्ट करेगा, ये सिर्फ ग्राउंड पर बना के स्टैक कर देगा, वहाँ से ले जाना लगाना ये सब लिफ्टिंग शिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्टर की है जो इसे फिक्स करेंगे या कोई और। तो ये भी 19 रुपीज़ इक्वल है सबका रेट, तो दोनों को ऐड कर देते हैं 59.4 और 19, ये हो जाता है 78 रुपीज़। फिर हम क्या करते हैं पर केजी का, ये हो गया तो यानी कि आया था 2616, इसको गुणा करेंगे 78 से, ये भी 78 है, ये भी 78, ये है 73.92। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, जब इनको गुणा करते हैं तो अमाउंट ये आ जाता है। तो ये जो चार अलग अलग फिगर आई हैं, इन सारी फिगर को हम एक जगह जब टोटल कर देते हैं तो ये फिगर हो जाती है 982,819 रुपये। अब इस पर हमने जो रेलिंग फिक्स करने का लेबर चार्ज है वो ऐड कर दिया है, 252 रेलिंग है, एक रेलिंग का हमने 750 रुपये कंसिडर करा है, तो 252 इंटू 750 करते हैं तो 189,000 रुपये आता है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इन दोनों फिगरों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाता है 1171,819। फिर इस पर हमने वाटर इलेक्ट्रिसिटी टूल्स प्लांट 3% ये इसका ऐड कर दिया है, 15% का CP और OHT हमने इस पर ऐड कर दिया है। CP और OH ऐड करने के बाद में ये टोटल फिगर हो जाती है दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि इक्वल टू कितना हो गया 1382,746 रुपये। तो ये जो 1382,746 है ये वैल्यू बनती है कितने रनिंग मीटर रेलिंग के लिए, यानी कि 605 रनिंग मीटर। ये कैसे आया, टोटल 252 रेलिंग है, एक रेलिंग की लेंथ 2.4 मीटर है, तो 252 इंटू 2.4 तो हुआ 605। तो जब 605 रनिंग मीटर रेलिंग बनाने में कॉस्ट आई 1382,746, तो एक की आई 1382,746 डिवाइडेड बाई 605, तो यानी कि एक रनिंग मीटर रेलिंग बनाने की जो कॉस्ट आई वो आई 2,285 रुपये 53 पैसे रनिंग मीटर। अब आप इसे रनिंग फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इसमें ड्राइंग में चलते हैं, यहाँ पर जो अभी हमने जहाँ पर हॉलो सेक्शन यूज करे हुए हैं, जैसे कि 25 बाई 25 का हॉलो सेक्शन है, इसकी जगह पर अगर कोई बार भी यूज हो तो आप उसे भी यहाँ शीट पर चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज हो जाएंगे। जहाँ पर हमने स्क्वायर बार यूज करी है, MS बार 10 mm की स्क्वायर बार है, यहाँ पर आप हॉलो ट्यूब आ जाए तो हॉलो ट्यूब लगा दें, जैसा डिजाइन चेंज होगा आप उसके मुताबिक आगे फिगर भी चेंज कर दें। मटेरियल परचेजिंग के रेट अप एंड डाउन हो सकते हैं, वो आपको चेंज करना होगा। फैब्रिकेशन के चार्जेज अप एंड डाउन हो सकते हैं, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। फिक्सिंग के जो चार्जेज हैं वो अप एंड डाउन होंगे, वो आपको चेंज करना पड़ेगा अगर कोई नया सेक्शन नहीं आता है तो। अगर कोई नया सेक्शन भी आता है तो आपको वो भी अलग से ऐड करना होगा, उसके बाद ही आपका एक्चुअल रेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और आप में से जिन्होंने भी ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।